सिंगरौली में लंबे समय से क्षेत्रवासी जिला अस्पताल के पास डिवाइडर के चौड़ीकरण करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को देख जैसे तैसे जनप्रतिनिधि अब नींद से जागे हैं और आचार संहिता हटते ही डिवाइडर का चौड़ीकरण करने की बात कर रहे हैं। सिंगरौली जिला अस्पताल के पास मेन रोड में डिवाइडर के चौड़ीकरण करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। डिवाइडर चौड़ीकरण न कराए जाने के कारण एम्बुलेंस और अस्पताल की ओर जाने वाले मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अब जनप्रतिनिधि नींद से जाग चुके हैं और आचार संहिता के हटते ही डिवाइडर चौड़ीकरण कराए जाने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि अपने दिए हुए आश्वासन को पूरा करेंगे या फिर गहरी नींद में सो जाएंगे। जैसे आपने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है और ये आए दिन दुर्घटना का स्थिति यहाँ लगा रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं और जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर जाने वाली मुख्य मार्ग सड़क है, ये चौराहा है। यहाँ पे क्या है कि बीच में डिवाइडर है, लोग उल्टा साइड से आते हैं, रॉन्ग साइड से, लगा दिन आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो इसके लिए जैसे मेरे संज्ञान में आया है, अभी तो आचार संहिता चल रही है, के बाद मैं आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखूंगा और इसके बाद मैं आयुक्त महोदय से चर्चा करके बात करके इस डिवाइडर को खुलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं नगर निगम के अपने सदन चले गए सब में परिषद में भी बात को रखूंगा और बहुत जल्द ही डिवाइडर बनवाने के लिए। जो डिवाइडर बने हुए हैं गलत तरीके से बने हैं, अस्पताल का जो मेन गेट है उसके सामने से ही रोड होना चाहिए और लोग रॉन्ग साइड से ज़्यादा आते हैं, दुर्घटनाएं उस कारण से ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए तो जिला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और नगर निगम को भी और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको इसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।